ठीक है, वर्किंग में हम सबसे पहला जो ये पॉइंट बताएंगे, पी क्यू कम्स आउट, आर एस गोज इन। शॉर्ट में लिख रहे हैं अभी तो, बस हम ये बोलेंगे एज सून एज वी स्टार्ट रोटेटिंग दिस एक्सेल, द पी क्यू पार्ट ऑफ द कॉइल स्टार्ट्स कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड या आउट ऑफ द पेपर, आर एस पार्ट ऑफ द कॉइल स्टार्ट गोइंग इनसाइड द बोर्ड और इनसाइड द पेपर। ठीक है, हमें जो ये बचा हुआ पार्ट है क्यू आर और पी एस, इसको हमें समझने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन एंड द कॉइल द पार्ट ऑफ द कॉइल क्यू आर इज ऑल्सो इन द सेम डायरेक्शन। ऐसा जब भी केस होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिर उस पर एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, वहां पर फिर जो है इंड्यूस्ड करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से क्यू आर वाले पार्ट में नहीं जनरेट होगा। ठीक है, क्यू आर में करंट तो फ्लो होगा बट बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन। अब हम यहां पर देखें, हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, मोशन हो रहा है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर बाहर की तरफ, देयरफॉर मिडिल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, द मिडिल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, इट विल बी फ्रॉम पी टूवर्ड्स क्यू। जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो पी से क्यू डायरेक्शन में होगा। पी क्यू वाले पार्ट में जो है द इंड्यूस्ड करंट विल बी इन द डायरेक्शन फ्रॉम पी टूवर्ड्स क्यू। ठीक है, अपनी कॉपी में बनाकर इस चीज को और राइट हैंड रूल लगाकर चेक कर सकते हो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। आर एस वाले पार्ट पर लगाओ, अब यही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मोशन इनसाइड द बोर्ड, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट डाउनवर्ड्स मिल रही है हमें। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम पी टू क्यू ऑन पी क्यू इन पी क्यू एंड फ्रॉम आर टू एस, from R to S in the conductor RS. ठीक है, तो ये complete circuit हो गया, ये जो है ये पूरा complete circuit हो गया। यहां से जो current start हुआ ये P से Q गया, अब ये Q पे आके रुक तो नहीं जाएगा, इसको एक और कंडक्टर आगे दिख रहा है, यहां जाएगा। R से S में जो करंट फ्लो कर रहा है वो S पर तो रुक नहीं जाएगा, वो आगे जाएगा। ठीक है, वो S से इस रिंग में जाएगा R2 में, R2 से जाएगा ब्रश B2 में, B2 से फ्लो होता हुआ इस गैल्वेनोमीटर में आएगा एंड दिस गैल्वेनोमीटर विल शो अ डिफ्लेक्शन इन दिस डायरेक्शन। जो गैल्वेनोमीटर है वो इस डायरेक्शन में हमें शो करने लगेगा डिफ्लेक्शन। पूरा पाथ दिख रहा है, समझ में आ रहा है, पी से क्यू
क्यू से आर, आर से एस. अब करंट ऐसा तो है नहीं कि इसी कॉइल में रुक जाएगा, इट विल फ्लो. अगर उसे कंप्लीट सर्किट दिख रहा है तो वो आगे फ्लो होता रहेगा. एस से वो आएगा रिंग आर टू में, आर टू से जाएगा बी टू में, बी टू से आगे जाएगा ये गैल्वेनोमीटर में, डिफ्लेक्शन शो करेगा. यहां से आएगा बी वन में, बी वन से जाएगा आर टू में, और फिर ये जो है पूरा कंप्लीट सर्किट हो गया. मतलब हम इस पार्ट में बोल सकते हैं दैट इन द एक्सटर्नल सर्किट, इन द एक्सटर्नल सर्किट करंट इज डेवलप्ड फ्रॉम बी टू टूवर्ड्स बी वन. बी टू से बी वन की तरफ जाने वाला एक करंट डेवलप हो जाएगा. A current starts flowing from B2 towards B1. ठीक है. So this will be the working of the generator. Generator इस तरह से काम करेगा. ठीक है. The electric generator will work in this way. जो current है वो electromagnetic induction की वजह से इस वाले part में और इस वाले पार्ट में जनरेट होगा. बट सिंस द सर्किट इज अ कंप्लीट सर्किट, ये करंट पूरे सर्किट में इस तरह से फ्लो होगा. ठीक है. बट नाउ अगेन देयर इज अ कैच इन द वर्किंग. वर्किंग में फिर से एक छोटा सा प्रॉब्लम है, छोटा सा कैच है. जैसे ही हाफ रोटेशन हो जाएगा, एज सून एज द रोटेशन बिकम्स हाफ, जैसे ही ये हाफ रोटेशन हो जाएगा हम देखेंगे देयर विल बी सम चेंज इन द वर्किंग. वर्किंग में जो है एक छोटा सा चेंज हो जाएगा. उसको देखते हैं, समझते हैं कि क्या चेंज होगा. ठीक है. यही सेटअप मैं फिर से एक बार ड्रॉ करता हूं. आफ्टर हाफ रोटेशन, ठीक है, आफ्टर हाफ रोटेशन
आफ्टर हाफ रोटेशन ये सीन बन जाएगा, सब कुछ सेम, बस ये जो कॉइल है ये पलट जाएगी, ठीक है, ये जो कॉइल है ये पलट जाएगी। यहां पर अब वो कॉन्टैक्ट्स चेंज होने वाली बात नहीं होगी जैसा हमने इलेक्ट्रिक मोटर में बताया था, बिकॉज द रिंग्स आर फुल रिंग्स, कंप्लीट रिंग्स, ठीक है। तो अभी भी R1 V1 कॉन्टैक्ट में रहेंगे, R2 V2 ही कॉन्टैक्ट में रहेंगे, ठीक है। ये जो वायर है ये R2 पर ही आके जुड़ रहा है, ये जो है R1 पर ही आके जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये चीज क्लियर है। हम यहां पर उस तरह का फिनोमेना नहीं बताएंगे जैसा इलेक्ट्रिक मोटर में था, दैट आफ्टर हाफ रोटेशन द रिंग R1 कम्स इन कॉन्टैक्ट विद B2 एंड R2 कम्स इन कॉन्टैक्ट विद B1। यहां पर वैसा नहीं है, अभी भी R1 B1 ही कॉन्टैक्ट में रहेंगे और R2 B2 ही कॉन्टैक्ट में रहेंगे, ठीक है। बट वॉट विल चेंज इज, अब यहां पर जो चेंज होगा उसको हम ध्यान से देखें, समझे। अब क्योंकि हाफ रोटेशन हो गया है, ठीक है, क्योंकि अब हाफ रोटेशन हो गया है, तो पहले ये PQ बाहर आ रहा था और RS अंदर जा रहा था। अब क्या होगा, RS बाहर जाएगा और PQ अंदर आएगा, RS बाहर जाएगा और PQ अंदर आएगा, RS will go outside, PQ will go inside, ये जो है ये अंदर जाएगा, ये बाहर आएगा, जो direction of induced current है, जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट है वो अब कैसी है, इस कॉइल के अंदर वो डायरेक्शन अब रिवर्स हो गई है, ठीक है। बिकॉज अगेन द मैग्नेटिक फील्ड इधर, डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर, इंड्यूस्ड करंट इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर, डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर, इंड्यूस्ड करंट नीचे की तरफ। बट ओवरऑल पूरी कॉइल अगर हम देखें तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन अब चेंज हो गई, फ्रॉम एस टू आर एंड फ्रॉम क्यू टू पी आफ्टर हाफ रोटेशन, After half rotation, the direction of current in the coil is reversed. The direction of current in the coil is reversed. It becomes from S to R and from Q to P. पहले जो पाथ था वो था P Q R S, अब जो हो गया है वो S R Q P हो गया है, ठीक है। Now इस वजह से क्या होगा उसको ध्यान से समझें। अब एक्सटर्नल सर्किट में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहां से करंट आ रहा है R1 में जा रहा है, R1 से B1 में जा रहा है, फिर इधर, फिर गैल्वेनोमीटर, फिर B2, B2 से R2 और इस तरह से। इन द एक्सटर्नल सर्किट ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ करंट गेट्स रिवर्स्ड, we will see that now the deflection in galvanometer, the direction of deflection in the galvanometer changes,
Now the deflection in galvanometer will be in opposite direction. जो deflection है वो opposite direction में होने लगेगा. ठीक है. सो आफ्टर हाफ रोटेशन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल इज रिवर्स्ड एंड ऑल्सो इन द एक्सटर्नल सर्किट. एक्सटर्नल सर्किट में भी वो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी. ऑल्सो इन एक्सटर्नल सर्किट बिकम्स फ्रॉम B1 to B2. अब जो करंट की डायरेक्शन है वो B1 से B2 की तरफ हो जाएगी. ठीक है. तो वर्किंग यहां पर पूरी तरह से अब हमने समझा दी है, बता दी है. ठीक है. This is the complete working of the electric generator. After this half rotation, इसके बाद फिर से जब half rotation होगा तो यही आ जाएगा. फिर half rotation, ये this cycle will keep on repeating itself. ये जो cycle है ये repeat होती रहेगी. ठीक है. Initially अगर ऐसा है तो हमें एक direction में current मिलेगा. ठीक है. और फिर जब हाफ रोटेशन हो जाएगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट मिलेगा. ठीक है. द डायरेक्शन ऑफ करंट विल कीप ऑन रिवर्सिंग, कीप ऑन चेंजिंग. करंट की जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी. ठीक है. यहां पर हम अब बताते हैं कि ये जो हमें करंट दिख रहा है, इस तरह का करंट हमें कभी भी बैटरी से नहीं मिलेगा. बैटरी से तो हमेशा हमें एक ही डायरेक्शन में करंट मिलता रहेगा. सो नाउ At this point, we have come across two different types of current. यहां पर हम बताते हैं कि करंट जो है वो दो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. One which keeps on flowing in the same direction, एक ही direction में flow करता रहता है. That type of current, उस type के current को जो हम नाम देते हैं, that is called direct current. ठीक है. जो कि एक बैटरी से जनरेट होता है. ठीक है. द टाइप ऑफ करंट विच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन. द टाइप ऑफ करंट विच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन एंड कीप्स फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट. उस करंट को हम डायरेक्ट करंट बोल देते हैं. द टाइप ऑफ करंट विच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन और कीप्स ऑन फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन. इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट. सच अ करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय बैटरीज. दिस इज द टाइप ऑफ करंट प्रोड्यूस्ड बाय batteries. Such a type of current is produced by batteries. ठीक है. इस तरह के करंट को हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं. डायरेक्शन चेंज ना होने का ये मतलब नहीं है कि भाई आर से क्यू गया तो अब वो घूमेगा ही नहीं यहां पे. वो मतलब नहीं है हमारा. डायरेक्शन चेंज नहीं होगी से ये वाला हमारा मतलब है कि
कि पहले B1 से B2 फिर B2 से B1, ऐसा नहीं होगा डायरेक्ट करंट में कभी. देन दिस टाइप ऑफ करंट, ये जो अब हम एक टाइप ऑफ करंट देख रहे हैं, दिस टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट. दिस इज द टाइप ऑफ करंट विच इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट. ठीक है, ये वर्ड्स, ये टर्म्स सुने होंगे, इनके शॉर्ट फॉर्म कई जगह पर यूज किए जाते हैं, डीसी एंड एसी. ठीक है, दिस इज डीसी डायरेक्ट करंट, दिस इज एसी ऑल्टरनेटिंग करंट. ठीक है, डीसी एंड एसी डायरेक्ट करंट ऑल्टरनेटिंग करंट. ऑल्टरनेटिंग करंट की क्या डेफिनेशन है, हम यहां पर देखेंगे कि हर हाफ साइकिल में अगर हम इसको एक फिक्स्ड स्पीड से घुमाते रहे तो हर हाफ साइकिल के बाद ये डायरेक्शन चेंज होती रहेगी. हम ऐसा बोल दें कि एक एक सेकंड बाद या जो भी टाइम है उस फिक्स्ड टाइम के बाद जो है ये डायरेक्शन चेंज होती रहेगी. सो व्हाट इज ऑल्टरनेटिंग करंट, क्या हम डिफाइन करेंगे, द टाइप ऑफ करंट, द टाइप ऑफ करंट which changes its direction, which changes its direction every time after a fixed period. The type of current which changes its direction every time after a fixed period is called alternating करंट. ठीक है, इस तरह का करंट जो हर फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद अपना डायरेक्शन चेंज करता है उसको ऑल्टरनेटिंग करंट बोला जाता है. ठीक है, सच टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट. ठीक है, दिस इज द टाइप ऑफ करंट, यही वो करंट होता है जो हमारे घरों में सप्लाई होता है. ठीक है, जो अलग अलग जगह पर हम लाइटिंग देखते हैं, जहां पर भी हम इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं, फॉर कमर्शियल पर्पजेस, फॉर डोमेस्टिक पर्पजेस, दिस इज द टाइप ऑफ करंट विच इज यूज, यही करंट हम यूज करते हैं. ठीक है, हमारे घर में जो भी अप्लायंसेस हैं वो इसी टाइप के करंट पे चलते हैं. ठीक है, डीसी करंट अगर हमें चाहिए तो हमें कुछ मेथड्स, अगेन कुछ अलग डिवाइसेस यूज करके, ठीक है, जैसे हमारे जो पावर अडेप्टर्स होते हैं, वो पावर अडेप्टर्स क्या करते हैं, वो इस ऑल्टरनेटिंग करंट को, हमारे सप्लाई से तो हमेशा ऑल्टरनेटिंग करंट आएगा, पर वो कुछ ऐसा करते हैं जिससे वो ऑल्टरनेटिंग करंट फिर डायरेक्ट करंट में बदलता है, और फिर हम उन डिवाइसेस को ऑल्टरनेटिंग करंट से भी यूज कर पाते हैं. ठीक है, अ डिवाइस कैन नॉट वर्क ऑन बोथ टाइप ऑफ करंट, कोई डिवाइस दोनों टाइप के करंट पे साइमल्टेनियसली वर्क नहीं कर सकता, इट इज ऑलवेज डिजाइंड फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ करंट. फिर अब यहां पे हम थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देखें और समझें. हम ये बोल रहे हैं कि ये जो करंट हमारे पास आ रहा है, जो हमें सप्लाई में मिल रहा है, दैट इज एन ऑल्टरनेटिंग करंट. तो वो करंट तो कितना सारा प्रोड्यूस हो रहा होगा वो हम सोचें. हमारे घर में करंट आ रहा है, ऐसे हजारों लाखों घर, हजारों लाखों सप्लाईज है, वो सप्लाई किया जा रहा है. देन द लेवल, द साइज ऑफ दिस जनरेटर, कितने बड़े बड़े जनरेटर्स वहां पर लगते होंगे, द जनरेटर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग दैट अमाउंट ऑफ करंट, दे विल बी ह्यूज, हमें बहुत बड़े बड़े जनरेटर्स चाहिएंगे. तो वहां पर कोई ये तो नहीं कर सकता कि इस एक्सेल को बैठ के घुमा रहा है. ठीक है, वहां पर हम ये चीज तो नहीं कर सकते कि कोई उस एक्सेल को पकड़कर घुमा रहा है. तो फिर हम एग्जैक्टली ये करते कैसे, हाउ डू वी
रोटेट दीज एक्सेल्स, ये एक्सेल को हम रोटेट कैसे करते हैं। तो यहां पर फिर जो पावर प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग मेथड यूज करते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं सोशल स्टडीज में, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स, अलग अलग टाइप के पावर प्लांट्स होते हैं। हाइडल पावर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, और फिर कोल से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो एग्जैक्टली क्या हम करते हैं जिससे वाटर या कोल, इस तरह के रिसोर्स को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर पाते हैं। हम क्या करते हैं, यहां पर एक टर्बाइन लगा देते हैं, एक पंखे जैसा टर्बाइन हम यहां पे लगा देते हैं। टर्बाइन क्या होता है, इसके ऊपर अटैच हो जाता है और उसके विंग्स ऐसे निकले होते हैं। उस टर्बाइन पर फिर हम ऐसा कुछ मेथड डिवाइस करते हैं कि अगर हाइडल पावर प्लांट है, सपोज एक हाइडल पावर प्लांट है, तो हम कुछ ऐसा मेथड डिवाइस करते हैं, हम डैम्स बनाते हैं, डैम्स में पानी स्टोर करते हैं और फिर बहुत ऊंचाई से, काफी ज्यादा ऊंचाई से उस पानी को नीचे गिराते हैं। अब जैसे जैसे पानी नीचे गिरेगा तो वो काफी फोर्स, काफी वेलोसिटी से नीचे पहुंचेगा। जब वो स्पीड से पानी नीचे पहुंचेगा तो वो इन टर्बाइन को घुमाएगा, टर्बाइन घूमेगी तो ये एक्सेल घूमेगा, एक्सेल घूमेगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल, इस तरह का कुछ हम वहां पर सेटअप यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह का वहां पर सेटअप यूज करते हैं, ठीक है। दिस इज द काइंड ऑफ सेटअप यूज, ठीक है। ऐसी टर्बाइन्स होती है, इस पर ऊपर से अगर हम पानी गिराएंगे बहुत तेज स्पीड से, ठीक है, बहुत तेज स्पीड से इस पर ऊपर से पानी गिर रहा है तो ये टर्बाइन घूमने लगेगी, टर्बाइन घूमेगी तो ये एक्सेल घूमेगा, एक्सेल घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब हमें जिस भी स्पीड से इसको घुमाना है उसके अकॉर्डिंग फिर इंजीनियर्स जो हैं इस चीज को कंट्रोल करते हैं कि किस स्पीड से जो है पानी गिरना चाहिए, किस स्पीड से ये टर्बाइन घूमनी चाहिए एंड सो ऑन। हाइडल पावर प्लांट में हम क्या करते हैं, सॉरी कोल थर्मल पावर प्लांट में हम क्या करते हैं, वी यूज कोल टू बॉइल वाटर, हम कोल को यूज करते हैं वाटर को बॉइल करने के लिए। फिर उससे जो स्टीम निकलती है, दैट स्टीम एट वेरी हाई प्रेशर इज अगेन यूज टू टर्न दीज टर्बाइन्स, इस टर्बाइन को घुमाने के लिए फिर उस हाई प्रेशर स्टीम को यूज किया जाता है और फिर से वही चीज, ये टर्बाइन घूमती है, ठीक है, ये टर्बाइन घूमती है और फिर वहां पे वो एक्सेल घूमता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सो देयर आर सेवरल मेथड्स, अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं यहां पर अगेन। अब जब इतने लार्ज स्केल पर, इतने लार्ज स्केल पर जब ये इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है तो फिर बात उल्टी हो जाती है, जो हमने बताया था कि कॉइल को रोटेट करना कन्वीनियंट है, मैग्नेट्स को नहीं, उस जगह पर आकर फिर उल्टा हो जाता है। कई जगह पर पावर प्लांट्स इस तरह से भी डिजाइन होते हैं कि ये जो चीज है, ये जो पार्ट है, ये जो टर्बाइन है, ये मैग्नेट्स को रोटेट करते हैं और कॉइल अपनी जगह पर फिक्स पड़ी रहती है। वहां पर फिर कॉइल इतनी बड़ी बड़ी और इतनी हैवी हो जाती है कि कॉइल को मूव करना पॉसिबल नहीं होता है, हम फिर मैग्नेट्स को रोटेट करवाते हैं, मैग्नेट्स को मूव करवाते हैं, ठीक है। सो विच एवर इज द कन्वीनियंट केस, जो भी केस कन्वीनियंट होता है वो हम यूज करते हैं। एंड दिस इज हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिसिटी इस तरह से प्रोड्यूस की जाती है। इस तरह से ऑल्टरनेटिंग करंट जब हम प्रोड्यूस करते हैं देन वी कैन प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ वोल्टेज। डायरेक्ट करंट से वो जनरेट करना पॉसिबल तो होता है बट इट विल बी रियली वेरी एक्सपेंसिव।
हम डायरेक्ट करंट से भी चीजें चला सकते हैं, हम अप्लायंसेस ऐसे बना सकते हैं, बट द प्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट करंट विल बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए कि क्यों डायरेक्ट करंट नहीं यूज किया जाता, क्यों ऑल्टरनेटिंग करंट यूज किया जाता है, द मेन रीजन फॉर इट इज दैट ऑल्टरनेटिंग करंट इज इजियर एंड इकोनॉमिकल टू प्रोड्यूस। डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करना बहुत ज्यादा महंगा हमें पड़ जाएगा। ठीक है, सो दीज आर फ्यू डिफरेंसेस एसी और डीसी में, ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, और यहां पर ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट भी हो जाता है। यहां पर सारे ही टॉपिक्स, सारे आर्टिकल्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसा हम देख रहे हैं ये चैप्टर पूरी तरह से थ्योरेटिकल है, ये पूरा की पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है, इसमें कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है। ठीक है, यहां पर जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इसी तरह से एक्सप्लेनेशन वाले, और या फिर रूल अप्लाई करो और कुछ चीज बतानी है, उस तरह के प्रॉब्लम्स। ठीक है, अदरवाइज द कंप्लीट चैप्टर इज थ्योरेटिकल, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, न्यूमेरिकल्स यहां पे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये चैप्टर यहां पे हमारा कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है।